भी हैं, हम बात करेंगे उनसे। सर क्या कहेंगे सर, एक तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार में बहुत बड़ी शादी है, क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमें बहुत खुशी होती है गांव में सबके साथ मिलके, गांव के अड़ोस के पड़ोस के पूरे बीकानेर जिले के राजस्थान के पूरे देश से लोग आते हैं। ये हमारे शुरू से जैसे आपने बताया, हमारे पिताजी दूल जी जिनको लोग संत दुलाराम जी बोलते कहते थे, उसके बाद में उनके छोटे भाई काको साहब पद्माराम जी, संत पद्माराम जी कुलरिया, आज उनकी पोतियों की शादी है। हमारे छोटे भाई कानू की एक लड़की है, एक मेरा छोटा भाई शंकर कुलरिया की लड़की है, एक मेरा छोटा भाई धर्मू की लड़की है। सो तीनों हमारी बच्चों की आज शादी है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम गांव में शादी करते हैं। गांव में शादी करने के कई फायदे होते हैं, क्योंकि हम तो जैसे हम मुंबई में ज्यादातर रहते हैं, तो यहाँ अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं, यहाँ लोगों की रोजगार मिलती है। जैसे यहाँ जितना भी डेकोरेशन किया है, यहाँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को रोजगार मिला है। यहाँ जो जैसे भोजन अभी जो कैटरिंग वाले हैं उनको यहाँ रोजगार मिला है। यहाँ साफ सफाई करना, जितने भी काम करना, रसोई का काम करो, जो भी काम करो, कम से कम ने 500 लोगों ने, 600 लोगों ने पिछले 15 दिन से यहाँ रोजगार है। तो हमारा मेन मुद्दा है कि यहाँ करने से, और यहाँ करने से लोगों को एक तो रोजगार मिलता है, दूसरी बात गांव के अड़ोस पड़ोस के जो लोग इधर आते हैं, तो हमारे देखो गांव में लोग हर तरह के लोग रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, मीडियम भी रहते हैं, और मीडियम फैमिली के भी लोग रहते हैं। यहाँ आज जब भोजन करने आते हैं, लोगों के साथ में उठना बैठना, लोग बाहर से आते हैं, बड़े बड़े लोग भी आते हैं, उनसे बात करते हैं, तो ये हर एक तरह का एक एजुकेशन भी सपोर्ट मिलता है गांवों को जी। तरह से संस्कृति की बात करें तो बीकानेर की संस्कृति से भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मकसद कहा जा सकता है कि बीकानेर की संस्कृति से भी बाहर बाहर के जो लोग हैं, आपकी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आपके मिलने जुलने वाले हैं, और जिनको हम लोग रोजगार दे रहे हैं, वो लोग भी परिचित होते हैं कहीं ना कहीं, ये भी बहुत बड़ा। जरूर सिंह साहब, संस्कृति हमारे एक देश की, देखो देश एक संस्कृति से चलता है, संस्कृति को बचा के रखना, गांवों को बचा के रखना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आज हम बीकानेर से हैं, हमें बहुत प्राउड है हमारे संस्कृति, अभी हम कभी हमारे संस्कृति को भूले नहीं है। संस्कृति में पहनावा, उठना बैठना, अपने एक दूसरे बड़ों की रिस्पेक्ट करना, छोटों को लाड प्यार देना, ये हमारी संस्कृति है। और हमारे पिताजी दूल जी और हमारा काको साहब पद्माराम जी आज दोनों संसार में नहीं है, लेकिन उन्होंने 80-80 साल तक उम्र दोनों ने यही बता के गए कि हमारी संस्कृति को बचा के रखना, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर रहना, जो हमारे साथ में और जो जो भाई थोड़ा है उनको सपोर्ट करके रहना। आज हमें जो भी इधर आए हैं सभी को और आप सभी को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप हमारे गाँव में मूलवा सियोला में आके और हमारा आपने ये कार्यक्रम सफल बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पूरे कुलरिया परिवार की तरफ से, हम 13 भाई हैं, हमारे भतीजे हैं, हमारे 4 चाचा जी हैं, सभी की तरफ से मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा परिवार है आपका, और हमेशा ऐसा ही देखने में आता है कि आपके परिवारजन है जो बीकानेर आके मूलवास आके शादी करना, बहुत अपने आप में काफी लोग इस अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सीखते हैं जी। जरूर सिंह साहब, गांव में शादी करने के कई इसके अलग अलग पहलू है कि हम अगर मुंबई में शादी करेंगे, हम एक रात में जाके कहीं होटल में रूम और ग्राउंड बुक करके हम कर लेंगे, लेकिन नहीं, हम हमारी ये संस्कृति को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और हमारे जो बच्चों को ये कहते हैं कि शादी आके विवाह जो हमारे जो कल्चर है, हजारों साल पुराना हमारी संस्कृति को जिंदा रखना है। और गांवों की, अगर हम गांव छोड़ देंगे तो पीछे कौन रहेंगे? जो गांव को मुंबई बना देते हैं, हमारा ये कोशिश है। आज गांव में हम एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, इस गांव में एक स्कूल बना रहे हैं, और भी प्रोजेक्ट का चालू भी है। तो गांव में अगर हम हॉस्पिटल बनेगा, स्कूल बनेगा और कंस्ट्रक्शन चालू है, और गांव के सभी लोग 300-300, 400-400 लोग कोरोना के टाइम में गांव में हमारे हॉस्पिटल घरों में काम करते हैं, गांव के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। और यहां अगर कोई चीज का डेवलपमेंट होता है तो ऑफकोर्स गांव की तरक्की होती है, और हम गांव को भूले नहीं है, गांव को बचाना चाहते हैं, गांव के जितने भी त्योहार है हम उनको बचाना चाहते हैं। विश्वकर्मा की अगर बात करें तो आपको विश्वकर्मा का अवतार ही कहा जाता है एक तरह से, तो कुल मिलाकर इंटीरियर के क्षेत्र में जहाँ पे बहुत कुछ आप कुछ करते हैं, तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं ये अवतरित चीजें दिखती हैं आप लोग जो कर रहे हैं। देखो मैं खुद एक कला से जुड़ा हुआ हूँ, मैं खुद स्किल इंडिया के को चेयरमैन हूँ, हमारे
ये जो फर्नीचर फिक्सर स्किल काउंसिल, मैं खुद को चेयरमैन हूँ, मैं अंडर CSR लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, लोगों को काम सिखाते हैं, और पूरे भारत में राजस्थान का यहाँ अड़ोस पड़ोस के हजारों लोग वहाँ आते हैं उधर से, और लोग और उनको आगे जो भी दिलाते हैं। देखिए हमारे साथ लड़की के पिता भी आ चुके हैं कान्हा राम जी, बात करना चाहेंगे। कान्हा राम जी बहुत बहुत बधाई आपको, और आपने बीकानेर के इस नोखा शहर को एक तरह से मुंबई बना दिया है। नहीं ऐसा कहेंगे सबसे पहले आप? नहीं, हम बधाई, ये तो कुछ होना ही था, हमने क्या किया है, क्या मानते हैं इतनी बढ़िया एक तरह से गांव को आपके अलावा। अगली बात हम करेंगे कि गांव मुंबई में रहने वाले बच्चे, आपके विदेशों में पढ़ने वाले, वो आज शहर में इस तरह से छोटे से गांव में आके शादी और बहुत बड़े बड़े फंक्शंस कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये हमारा पूर्वजों का संस्कार है, माता पिता की शिक्षा है, गुरु की शिक्षा है, उन्होंने हमें सिखाया है, और एक भगवान ने हमें प्रसाद दिया है, और कहते हैं ना छपर फाड़ के देते हैं, हम कुछ नहीं है, वो सब प्रभु की कृपा है। सर दो दिन तीन दिनों से ये माना जा रहा है हेलीकॉप्टर घूम रहा है खूब गांव में, मैंने खुद ने देखा, जगह जगह रिपोर्टिंग की, वहां पे पता चला कि लोगों में एक रोचकता का विषय बना हुआ है आपका हेलीकॉप्टर, बहुत खुशी की बात है, क्या कहेंगे? जब हमें मिला है तो लोगों को बांटे ना, क्यों रखे पास में? हेलीकॉप्टर से क्या मकसद? लोगों को खुश करना, लोगों को एक हमें जो मिला है लोगों तक पहुंचे, एक इंजॉयमेंट है तो लोगों तक इंजॉयमेंट हो। अगर कान्हा राम जी संत पद्माराम जी अगर आज होते तो कैसा महसूस करते, क्या सोचते हैं आप उनके बारे में, चूंकि आप भी बहुत उनका अनुसरण करते हैं? क्या मुझे बहु करना चाहते हैं? संसार चलायमान है। बिल्कुल संसार चलायमान है, बात आपकी सही है, लेकिन उनके जो जो आचरणों को आप लोग फॉलो करते हैं, कौन से कुछ खास बातों को अगर हम करना चाहें तो? हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको। नहीं नहीं, ये तो हम अगर कहने जाएंगे ना तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, और ये प्रारब्ध होता है कि मनुष्य के हाथ में नहीं होता है, मनुष्य चाह के कुछ नहीं कर सकता है, गौ सेवा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। बिल्कुल कोशिश तो करेंगे, बाकी प्रभु की इच्छा है। तो ये थे कान्हा राम जी, जो बहुत कुछ बातें बोलना चाहते हैं, लेकिन चूंकि ऐसा मोमेंट है, उस मोमेंट में ये भी एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ज्यादा ये भी भावुक होने वाली बात है, चूंकि शादी है आज घर में, बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी आप बताएं क्या कहेंगे, कैसे बीकानेर से देखने आए शादी? जी कुलरिया एक प्रतिष्ठित परिवार है, और उसकी ये सही शादी राजस्थान में एक प्रसिद्ध शादी होने जा रही है, जिसमें बहुत खुशी हुई शामिल होकर। बहुत खुशी हुई। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बार बार बताना चाहूंगा, हेलो जी 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 हनुमान जी आप बताएं आपको किस तरह से क्या कैसा महसूस होता है इस तरह की शादी को देखने के बाद, पहली बार देखने को अवसर मिला है आपको? नहीं वैसे तो कई शादियां अटेंड की है, परंतु ये एक अलग प्रकार से देखने को मिला कि राजस्थान में पहली बार ऐसी एक सही शादी है जो कुलरिया परिवार की तरफ से की गई है, जहां राजस्थान से बाहर से भी लोग आए हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और कुलरिया परिवार को मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं बच्चियों की शादी के लिए। देखिए बच्चे भी देखने में आए हुए हैं शादी को, रात को 10:30 बज रहे हैं, आपका क्या कहना है? शादी बहुत बढ़िया है, मैं तो शादी देख रहा हूं, शाही शादी है। शादी है और अच्छी शादी लग रही है आपको भी? शादी बहुत बढ़िया शादी है। शादी बढ़िया लग रही है, क्या बढ़िया अरेंजमेंट, बहुत बढ़िया है भाई। दरगाह एक गांव में क्या आपने सोचा कभी हेलीकॉप्टर मिलेगा? ऐसा सोचने में भी नहीं था, लेकिन ये इन बढ़िया रहा हेलीकॉप्टर उड़ा। तो देखिए यहाँ पर देखिए मुझे देखिए आपको बताना चाहेंगे कि शादी का जो जो पेन देखिए शादी को किस तरह से यहाँ पर ये जो सेट है कितना जबरदस्त सजाया गया है, आप खुद देख सकते हैं कि पेन करते हो। बताएं कि जगह जगह देखिए तीनों स्टेज भी तैयार है, पहला दूसरा और तीसरा संतोष किरण, बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टेज तैयार है, और बेहद शानदार जो शाही शादी है वो बीकानेर में आयोजित हो रही है। आपको बताना चाहेंगे कि नरसी कुलरिया, चाहे पूनम कुलरिया हो, चाहे शंकर कुलरिया, चाहे कान्हाराम जी कुलरिया और धर्माराम जी कुलरिया सहित तमाम लोग इस शादी में मौजूद हैं, तमाम चाचा ताऊ सारे परिवार यहाँ पर मौजूद हैं, और बड़ी बात ये कही जा सकती है कि इस शादी में लोग एंजॉय कर रहे हैं, शादी एक आदर्श बनती जा रही है बीकानेर में। खास बात बने रहिए एवन टीवी के साथ।